समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने विवादास्पद बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उनके बयान ही है जो उन्हें सुर्खियों में ले आए हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो उन्हें फिर से कटघरे में खड़ा कर सकता है और पूरी पार्टी से इस पर सफाई देना मुश्किल हो सकता है। आजम खान ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा पर पलटवार में ये बयान दिया है और पूछा है कि जयाप्रदा कौन है, वो नाचने गाने वालों के मुंह नहीं लगा करते। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही आजम खान के बयान कम आ रहे थे। आजम कुछ आरोपों में भी घिरे, उनकी सक्रियता भी कम दिखाई दे रही थी। इस पर आजम खान ने बताया कि वो इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में व्यस्त हैं, उनके पास इस तरह के लोगों की बातों का जवाब देने का वक्त नहीं, उनका फोकस छात्रों की पढ़ाई में है, वो नाचने गाने वालों के मुंह नहीं लगेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर सियासत नहीं कर पाएंगे। दरअसल जयाप्रदा ने शनिवार को दिए गए एक बयान में कहा था कि जब उन्होंने संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत देखी तो फिल्म में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी को देखकर आजम खान याद आ गए थे। जब वो चुनाव लड़ रही थी तब आजम खान ने भी उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। जयाप्रदा यूपी की रामपुर सीट से 2004 से 2009 तक समाजवादी पार्टी की सांसद रहीं। वो अमर सिंह की करीबी मानी जाती हैं। अमर सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 2010 में पार्टी से बाहर कर दिया गया था, तो बाद में जयाप्रदा 2014 में बिजनौर से आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गईं। रामपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वो आजम खान के कारण ही वहां से चुनाव नहीं लड़ी थी, पार्टी के अंदर लोगों ने उनका विरोध किया था, इसके बावजूद वो चुनाव जीती थी क्योंकि रामपुर की जनता ने उनका समर्थन किया था। रेड नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।